वर्ल्ड हिट एंड रन केस में बड़ा एक्शन। आरोपी मिहिर शाह ने जिस बार में शराब पी थी वहां अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आरोपी के पिता को शिवसेना शिंदे गुट के उपनेता के पद से हटाया। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस और टैंकर की टक्कर में 18 लोगों की मौत। अखिलेश यादव बोले भाजपा सरकार की लापरवाही से गई जान। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। राज्य की सहमति के बिना सीबीआई जांच नहीं होगी। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई। हाथरस के हादसे को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट पर मायावती ने उठाया सवाल। रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि एसआईटी ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया। बाबा पर कार्रवाई के बजाय क्लीन चिट दी गई। प्रोजेक्ट में देरी को लेकर बुरे भड़के नीतीश कुमार। मंच से हाथ जोड़कर इंजीनियर का पैर छूने के लिए उठे। कुछ दिन पहले ही अफसरों की मुनाहर करते दिखे थे मुख्यमंत्री। रूस के बाद ऑस्ट्रिया में भी नमो नमो की गूंज। वियना में प्रधानमंत्री मोदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के बाद फिर एनडीए और इंडिया अलायंस की एक और परीक्षा। पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास सड़क पर टूटकर आया पहाड़ का मलबा। पूरा रास्ता बंद हुआ। देश में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार। असम में 79 लोगों की मौत। यूपी बिहार उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश के चलते सब्जियों की कीमत में अलगी आग। खुदरा बाजार में 100 के भाव बिक रहा है टमाटर। आलू प्याज भी रुला रहे हैं महंगाई के आंसू। हरी सब्जियों की कीमत भी आसमान छू रही है।